हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये हमारे पास सबमर्सिबल स्टार्टर है उसका कनेक्शन कैसा होता है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले। यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज़ होता है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर एमीटर है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए फिर हम पहले डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो सबमर्सिबल स्टार्टर है उसका कनेक्शन कैसे होता है, बाद में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि उसका कनेक्शन कैसे होता है और उसका वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे मैंने सबमर्सिबल स्टार्टर का कनेक्शन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है बट मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम सबमर्सिबल स्टार्टर है उसका हम वायरिंग कैसे करते हैं और उसका कनेक्शन कैसे होता है। जो सबमर्सिबल स्टार्टर है उसके अंदर इस तरह से स्टार्टर रहता है, जो मैंने उसको बाहर निकाल लिया है। एक ड्यूल स्टार्टर ही है जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, बट ड्यूल स्टार्टर एंड जो सबमर्सिबल में जो सिंगल फेज के लिए स्टार्टर आता है दोनों सेम रहता है, बट उसकी कोयल सप्लाई है वो आपको देख के ही उसका कनेक्शन करना चाहिए। और इसका कनेक्शन यहाँ पे मैंने डायग्राम थ्रू हमने समझने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे अपर वाला 3 टर्मिनल है, जो यहाँ पे 1, 2, 3 है जो हमारा इनपुट पावर है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो यहाँ पे L1, L2, L3 है, जो यहाँ पे L1, L2, L3 है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और यहाँ पे जो NONC कॉन्टैक्ट है, जो यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट है और NO कॉन्टैक्ट है जो हम स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे A2 कॉन्टैक्ट है जो नॉर्मली ओपन है जो हम स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये दोनों कॉन्टैक्ट है जो NC है जो हम मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके नीचे यहाँ पे जो 4 कॉन्टैक्ट है जो हमारा कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट है जो T1, T2, T3 है, और यहाँ पे जो NO कॉन्टैक्ट है जो हम होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो T1, T2, T3 है, और यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट है जो हम होल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने उसके थ्रू यहाँ पे जो RYB है वहाँ पे हम मोटर कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लाइन न्यूट्रल है जो हम इनपुट पावर है जो हम इनपुट सप्लाई देंगे। यहाँ पे और 3 कैपेसिटर यूज़ किया है, जो 2 कैपेसिटर है जो रनिंग के लिए यूज़ किया है और एक है जो हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो एमीटर एंड वोल्ट मीटर है, जो एमीटर है उसमें हम एम्पियर बताएंगे, और यहाँ पे वोल्ट मीटर है जो यहाँ पे PVB स्विच है, मीन्स को जैसे हम उसको प्रेस करेंगे तब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो होगा। यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, मीन्स के ज़्यादा लोड में ज़्यादा टॉर्क में आपको यहाँ पे जो सबमर्सिबल स्टार्टर है उसको ऑन करना है, तब यहाँ पे इस पुश बटन से आप जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमने स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर यूज़ किया है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए फिर हम उसका कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं डायग्राम थ्रू, बाद में हम प्रैक्टिकली उसका कनेक्शन एंड वर्किंग दोनों देखेंगे। यहाँ पे जो लाइन न्यूट्रल है जो हमने इनपुट में पावर दिया, जो यहाँ पे लाइन है वहाँ से हम एक वायर लेंगे, जो यहाँ पे एमीटर है उसका फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो एमीटर का सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे L3 है जो हमारा यहाँ पे जो स्टार्टर है उसका L3 टर्मिनल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो लाइन है जो डायरेक्टली यहाँ पे L3 को मिल गया। सेकंड हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं, जो यहाँ पे जो एमीटर है उसका सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हम एक वायर लेके यहाँ पे जो PVB स्विच है उसका फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो सेकंड टर्मिनल है वो डायरेक्टली हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमारे घर में जो स्विच यूज होती है वैसे यहाँ पे जो PVB स्विच है जो NO कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो वोल्टेज पास होगा यहाँ पे कितना वोल्टेज है वो आपको दिखाएगा। जो यहाँ पे वोल्ट मीटर का सेकंड टर्मिनल है हम यहाँ पे डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा जो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट हम कैपेसिटर कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं, जो यहाँ पे 2 रनिंग के लिए यूज़ किया है, एक स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया है। जो रनिंग के लिए 2 कैपेसिटर यूज़ किया है उसका एक एक वायर है आप शॉर्ट करके यहाँ पे जो फर्स्ट वायर है वो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो यहाँ पे L3 के साथ, और यहाँ पे सेकंड वायर है जो यहाँ पे L2 के साथ कनेक्ट करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे जो रनिंग कैपेसिटर है उसका 2 वायर है यहाँ पे L2 एंड L3 के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर में 2 वायर है, जो फर्स्ट वायर है उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे जो L2 के साथ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो डायरेक्टली L2 के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो सेकंड वायर है उसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है उसका फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हम यहाँ पे वायर लेंगे, और यहाँ पे NC पुश बटन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है NC पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, मीन्स के ज़्यादा टॉर्क के लिए आपको जो सबमर्सिबल स्टार्टर है उसको ऑपरेट करना है तब यहाँ पे ए स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा एक कैपेसिटर का पावर यहाँ थ्रू आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिकेशन भी है, सो यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है उसका सेकंड टर्मिनल है वो यहाँ पे जो इंडिकेशन का
फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसका सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हम यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन भी ऑन होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर थ्रू यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर है जो ऑपरेट होगा और हमारा जो सबमर्सिबल स्टार्टर है जो ऑन होगा। नेक्स्ट हम कंट्रोल वायरिंग के बारे में देख लेते हैं। जो यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग है वो सेम ही है जो हम डीओएस स्टार्टर में करते हैं। जो डीओएस स्टार्टर में उसका पावर वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और प्रैक्टिकली कैसे ऑन ऑफ होता है, होल्ड होता है, उन सबके बारे में हमने डिटेल में वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और हमारा जो डीओएस स्टार्टर है उसका रिमोट वायरिंग कैसे करते हैं और हम डीओएस स्टार्टर ही क्यों यूज़ करते हैं, उन सबके बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया, तो आप हमारी चैनल विजिट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है। जो यहाँ पे NONC पुश बटन है, जो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन है, उससे ही कंट्रोलिंग करेंगे हम। जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है उसका फर्स्ट टर्मिनल है, हम यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे जो L3 के साथ। और यहाँ पर सेकंड टर्मिनल है उसकी लिंक लगाएंगे यहाँ पे NC के साथ, जो यहाँ पे रेड वायर दिख रहा है जो NC के साथ लिंक करेंगे फर्स्ट टर्मिनल के साथ। और जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हम यहाँ पे कोयल का A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है A1 के साथ कनेक्ट करेंगे। जो NC पुश बटन का सेकंड टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। और जो कोयल का A2 टर्मिनल है वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे जो यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल के साथ L1 के साथ, जहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया था उसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, कोयल को डायरेक्टली न्यूट्रल मिल गया और जो A1 पॉइंट है उसको हमने कंट्रोलिंग के लिए फेज यूज़ किया है। उसका वर्किंग कैसे होता है, यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल में जो पावर है जो सेकंड में आ जाएगा, जो NO कॉन्टेक्ट है जो NC हो जाएगा। और यहाँ से हमने डायरेक्ट लिंक कनेक्ट किया जो NC कॉन्टेक्ट के साथ, जो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज रहता है, तो हमारा कोयल को पावर मिल जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर है जो ऑपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो होल्डिंग के लिए यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट यूज़ किया है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो T1 T2 T3 है, और यहाँ पे जो फोर्थ कॉन्टेक्ट है जो NO कॉन्टेक्ट है जो नॉर्मली ओपन रहता है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट है जो NC होगा और यहाँ पे जो NC कॉन्टेक्ट होगा तो हमारा पावर डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। एक कनेक्शन है जो आपको स्टार्ट पुश बटन का सेकंड टर्मिनल या तो स्टॉप पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल के साथ यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट का कनेक्शन कर सकते हैं जो होल्डिंग के लिए यूज़ होता है। चलिए फिर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सबमर्सिबल स्टार्टर का कनेक्शन कैसे होता है और उसका वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे पहले हम कनेक्शन के बारे में देख लेते, बाद में हम उसका वर्किंग भी देखेंगे। यहाँ पे जो हमने लाइन न्यूट्रल है जो इनपुट पावर दिया है, जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे लाइन न्यूट्रल कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो RYB है वहाँ से हम मोटर कनेक्ट करेंगे, जो डायरेक्टली RYB है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे लाइन न्यूट्रल कनेक्ट किया है वहाँ से जो यहाँ पे ब्लू वायर है जो हमने डायरेक्टली एमीटर के साथ कनेक्ट किया है, जो एमीटर का फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट किया है। और जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से जो रेड वायर है जो हमने डायरेक्टली यहाँ पे L3 के साथ कनेक्ट किया है, जो हमने डायग्राम में देखा उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो एमीटर का कनेक्शन हो गया, हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो लाइन कनेक्ट किया जो ब्लू वायर थ्रू यहाँ पे एमीटर का फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, वहाँ से यहाँ पे PVB स्विच है उसके साथ कनेक्ट करेंगे फर्स्ट टर्मिनल के साथ। और उसका सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो यहाँ पे वोल्ट मीटर का सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया, जैसे यहाँ पे PVB स्विच है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमको कितना वोल्टेज शो होगा। और उसका सेकंड टर्मिनल यहाँ पे हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया, जो यहाँ पे येलो वायर थ्रू हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, जो यहाँ पे लाइन न्यूट्रल है, जो येलो वायर है जो न्यूट्रल है उसके साथ कनेक्ट किया है, तो वोल्ट मीटर में डायरेक्टली न्यूट्रल मिल गया। और जैसे यहाँ पे जो PVB स्विच है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज है जो शो होगा डायरेक्टली। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं उसका कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे जो रनिंग के लिए 2 कैपेसिटर यूज़ किया है एंड 1 कैपेसिटर है जो स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया है। पहले हम रनिंग कैपेसिटर के बारे में देख लेते हैं। जो रनिंग कैपेसिटर में 2 वायर है, दोनों का 1-1 वायर है, वो आप शॉर्ट करके यहाँ पे जो L2 एंड L3 के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे L2 एंड L3 है। और जो स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर यूज़ किया है उसका कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ग्रीन वायर है जो हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया है उसका कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो L2 है वहाँ पे हम डायरेक्टली 1 वायर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का। और जो सेकंड है हम यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है उसका फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और सेकंड टर्मिनल है उससे यहाँ पे इंडिकेशन है उसका फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और सेकंड टर्मिनल है उसके साथ डायरेक्टली न्यूट्रल मिल गया। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंडिकेशन ऑन होगा। पुश बटन का सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हम वायर है जो यहाँ पे NC पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो कैपेसिटर का एमीटर का एंड वोल्टमीटर का कनेक्शन हो गया।
चलिए फ्रेंड, हम सबमर्सिबल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए पुश बटन यूज़ होता है, यहाँ पे स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। जो स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहता है, मीन्स के NO कॉन्टैक्ट रहता है, उसका फर्स्ट टर्मिनल है। यहाँ पे जो L3 है उसके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, मीन्स के जैसे ही स्टार्ट पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे, जो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्मिनल में जो भी सप्लाई है जो सेकंड में आ जाएगा। और यहाँ पे सेकंड है जो यहाँ पे लिंक कनेक्ट किया, जो यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट का फर्स्ट टर्मिनल के साथ लिंक कनेक्ट किए। और जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हमने डायरेक्टली यहाँ पे जो कोइल का A1 टर्मिनल है उसके साथ हमने कनेक्ट किया है। और जो कोइल का A2 टर्मिनल है उससे यहाँ पे हमने डायरेक्टली, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है A2 टर्मिनल है उससे हमने डायरेक्टली यहाँ पे L1 के साथ कनेक्ट किया है, जो L1 में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो कोइल का A2 टर्मिनल है वहाँ पे डायरेक्टली न्यूट्रल मिल गया। और जो A1 है, जो यहाँ पे हमने स्टार्ट पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा पावर यहाँ से पास होगा और कोइल का A1 टर्मिनल का मिल जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। उसका होल्डिंग के लिए हम कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है T1, T2, T3 है, जो हम यहाँ पे हम डायरेक्टली मोटर कनेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे RYB है वहाँ से मोटर कनेक्ट करेंगे, वही यहाँ पे जो T1, T2, T3 है। यहाँ पे जो फोर्थ कॉन्टैक्ट है, जो NO कॉन्टैक्ट है जिसका हम होल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसका कनेक्शन है या तो स्टार्ट पुश बटन का सेकंड टर्मिनल के साथ कर सकते हैं या तो जो स्टॉप पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल के साथ कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे, जो यहाँ पे NO है, जो NC होगा हमारा पावर फ्लो होगा, यहाँ पे ऑलरेडी NC है तो हमारी जो कोयल है उसका A1 टर्मिनल पर मिल जाएगा और कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो NO कॉन्टैक्ट है, जो NC हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट पुश बटन उसको रिलीज करेंगे तब हमारा NO कॉन्टैक्ट है, जो NC हो जाएगा, उसके थ्रू हमें पावर मिलेगा, हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड ही रहेगा। चलिए फिर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं जो सबमर्सिबल स्टार्टर है उसका वर्किंग कैसे होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सबमर्सिबल स्टार्टर है वो वर्किंग कैसे करता है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे लाइन न्यूट्रल है, जो मैंने इनपुट पावर कनेक्ट कर दिया है, जैसे हम जो स्टार्ट पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तब हमारा कॉन्टैक्टर जो ऑपरेट होना चाहिए और होल्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम जैसे ही उसको हम प्रेस करेंगे, जो यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया और होल्ड हो गया, जैसे हम उसको रिलीज कर देंगे तभी हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो NO कॉन्टैक्ट है जो हमने यूज़ किया है होल्डिंग के लिए। और जैसे ही हम यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे, जो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होल्ड हो गया। तो इस तरह से जो स्टार्टर है, जो सबमर्सिबल स्टार्टर है, जो वर्क करता है। आई होप कि आपको पता चल गया कि उसका वर्किंग कैसे होता है और उसका कनेक्शन कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।